वेलकम दोस्तों, आज की वाली वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ बीजूमाई के अंदर आने वाले नए कैरेक्टर के बारे में और कैरेक्टर वॉचर के इवेंट के बारे में, कब आपको देखने के लिए मिलेगा बीजूमाई के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग आज चेकआउट मारोगे तो गेम के अंदर जो क्लासिक क्रेट है वो आ चुका है। तो भाई आज की इस वीडियो में इसके रिवॉर्ड्स को भी देखेंगे एंड यहाँ पे दोस्तों कुछ और भी चीज़ें आई है गेम के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कुल मिला के ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले जो क्लासिक क्रेट आया, अगेन दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने यहाँ पे क्लासिक क्रेट को डाल दिया, जो कि भाई किसी को भी नहीं चाहिए था। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोगों ने इस क्लासिक क्रेट की ओपनिंग करी है। हालांकि आप लोग रिवॉर्ड वगैरह चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इस रिवॉर्ड के अंदर मेरे को ये जो हेयर स्टाइल है ये मेरे को काफी अच्छा लगा दोस्तों, थोड़ा कोरियन टाइप का वाइब्स आ रहा है इसको देख करके, ठीक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक यूएस का भी आया इवेंट, एक बार गोल्डन फैल्कन करके दोस्तों ये मतलब इसका नेम है दोस्तों, और ये यूएस काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। देख पा रहे हो कि इसमें फैल्कन का दोस्तों जो है वो यहाँ पे बना हुआ है भाई इमेज। क्या ये एक हिंट है फैल्कन के इवेंट से रिलेटेड? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद से ये लोग भाई टीज कर रहे हैं। देख पा रहे हो फैल्कन बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और काफ़ी टाइम से भाई ये हाइप भी चला रहा है कि गेम के अंदर फैल्कन का इवेंट आएगा आएगा, बट अभी तक के आया ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कब तक आता है। फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने इस क्लासिक क्रेट की ओपनिंग करी और आपको क्या मिला, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को गेम के अंदर एक यहाँ पे दोस्तों एक और क्रेट आया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, और इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को ना मिनी 14 की स्किन देखने के लिए मिली है। और इसमें कुछ चेंज किए गए, जैसे कि बेसिक अपीयरेंस में देख पा रहे हो दोस्तों कुछ इस तरीके का दिखता है। एलिमिनेशन स्पेशल इफेक्ट देख लो, और लेवल 3 में इन्होंने फाइनल फॉर्म डाल दिया, ठीक है। एंड लेवल 4 में यहाँ पे एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट को डाला गया और हिट इफेक्ट सबसे लास्ट में। मतलब ये क्या चेंज है भाई, ठीक है। क्या आप लोगों को ये चेंज पसंद आया प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना। और एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट वगैरह भी देखो, हालांकि ये गन अल्टीमेट रियलिटी की है दोस्तों और ठीक ठाक से लग रही है। क्या आप लोगों ने इसका स्पिन करा, क्या आप लोगों को ये गन का स्किन मिला, ज़रूर से कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब आपके नए कैरेक्टर्स के बारे में, जो गेम के अंदर आपको कुछ ही दिन के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। जी हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बीजीएमआई ने दोस्तों यहाँ पे जो कोलैबोरेशन है वो कर लिया है हंटर एक्स हंटर के साथ, जिसके साथ आप लोगों को यहाँ पे ना टोटल 3 कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, देख पा रहे हो एक गॉन कैरेक्टर है, ठीक है। इसके साथ साथ एक देख पा रहे हो किलुआ कैरेक्टर सेट है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको देख पा रहे हो कि कुरापिका कैरेक्टर सेट है। जी हाँ, तो ये 3 कैरेक्टर आने वाले हैं क्योंकि हंटर एक्स हंटर के साथ दोस्तों यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है एंड पबजी के अंदर पहले ही आ गया ये, और बीजीएमआई के अंदर दोस्तों आप लोग को 1-2 दिन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा ये क्रेट। तो क्या आप लोग इस क्रेट की ओपनिंग करने वाले हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और आपको ये कैरेक्टर्स कैसे लगे, मेरे को तो बड़े इंटरेस्टिंग लगे, खास करके ये वाला, जी हाँ किलुआ कैरेक्टर जो है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि अभी आप लोगों को गेम के अंदर ना जो शैडो जो अल्तार वाला जो आपका स्पिन आया ना, जहाँ पे आपको M4 का स्किन मिल रहा है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो भाई यहाँ पे भी आप लोगों को ना जो यहाँ पे रिवॉर्ड्स वगैरह देखने के लिए मिल रहा है ना, इसमें भी दोस्तों आप लोगों को ना एक स्पेशल जो कैरेक्टर है मेल कैरेक्टर, जी हाँ देख पा रहे हो दोस्तों, ये भी एक कैरेक्टर जैसा ही है जो आपको ये अल्टीमेट सेट आया है ना। आप लोग ध्यान से देखो, ये फीमेल में कुछ इस तरीके का लगता है लेकिन मेल में कंप्लीट तरीके से ही चेंज हो जाता है दोस्तों। देख पा रहे हो थोड़ा हल्का हल्का इसमें वाइट पैची बियर्ड भी है, हेयर स्टाइल देखो भाई क्या ही तबाही लग रहा है। तो ये भी एक अलग टाइप का ही कैरेक्टर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये वाले दोस्तों स्पिन जो अल्टीमेट का स्पिन है, क्या आप लोगों ने इस स्पिन को किया है, क्या आप लोगों ने M4 का स्किन को निकाला, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना। ये M4 का स्किन भाई बहुत ही खतरनाक लेवल का है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कैरेक्टर वॉचर के इवेंट के बारे में, जिसका इंतजार भाई काफ़ी टाइम से लोग कर रहे हैं। और आपको पता है दोस्तों कि लास्ट कैरेक्टर वॉचर का इवेंट आए हुए भी काफी वक्त हो गया है, तो बीजीएमआई के अंदर आपको बहुत जल्दी कैरेक्टर वॉचर का इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों आप लोग बोलोगे कि क्या 3.0 अपडेट के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। 3.0 अपडेट के अंदर आप लोगों को कैरेक्टर वॉचर के इवेंट देखने के लिए नहीं मिलेंगे, आपको कैरेक्टर वॉचर के इवेंट देखने के लिए मिल सकते हैं 3.1 अपडेट के अंदर। एंड हो सकता है कि उसमें आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी देखने के लिए मिले, क्योंकि गेम के अंदर जो कैरेक्टर आए हुए ना एक टाइम हो गया भाई, काफी वक्त हो गया और दोस्तों इतना सारा अपडेट स्किप हो गया और अभी तक कोई कैरेक्टर इन्होंने डाला नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का जो 3.1 का अपडेट आने वाला है उसके अंदर आप लोग को एक ब्रांड न्यू कैरेक्टर देखने के लिए मिल सकता है। और भाई कैरेक्टर्स की मैं कौन से कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, ये सारे जो कैरेक्टर्स आपको गेम के अंदर अभी अवेलेबल दिखा रहे हैं ना, तो इसी वाले सेक्शन में आपका नया कैरेक्टर आने वाला है। लास्ट कैरेक्टर आपको पता है कि रीले सोफिया लायत और लॉरेंजो ही आया, उसके बाद से दोस्तों इन्होंने कोई भी कैरेक्टर को गेम के अंदर नहीं डाला है। तो होपफुली 3.1 अपडेट के अंदर आपको नए कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको भर भर के कैरेक्टर वॉचर के इवेंट भी देखने के लिए मिलेंगे, और भाई वहाँ से आप लोग काफ़ी सारे फ्री में जो कैरेक्टर वॉचेस को भी कलेक्ट कर पाओगे। और भाई बीटा वर्जन आप लोगों का दोस्तों 10 से 15 दिन में रिलीज़ हो जाएगा, तो बीटा वर्जन जैसे आता है ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है भाई, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो बीटा वर्जन जैसे आएगा तो भाई मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, अभी के लिए कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाई कैरेक्टर वॉचर का इवेंट आपको 3.1 में काफी हाई चांसेस है कि देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं भाई कि वीडियो आपको पसंद आएगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।